वाहिगुरु। परम सत्कार योग सत संग जीओ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन हजूरी विच बैठ के आप जी इन्हां दरगाही घड़ियां दा आनंद लै रहे हो। सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो, नाल अपनी असीस बख्शो ता जो कीर्तन द्वारा आप संगतां दी सेवा कर सकीए। आओ सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन सुनन लगिया जिथे भी परमात्मा दा नाम लिया जांदे, जिस दिन असी सब कुछ भुला के कीर्तन विच जुड़ जावांगे, जिस दिन मन जुड़ गया उस दिन तुहाडे सारे कार्ज ओ गुरु नानक साहब आप पूरे करनगे। आखो सतनाम श्री। ये गुरु की कृपा सत संगत जिस वेले आपां गुरु दे कोल आने आ, ते गुरु दे कोल भी उदों आने आ जदों गुरु आप कृपा कर दे। उहदी कृपा तो बगैर असी उहदे कोल आ भी नहीं सकते। बड़े वड्या भागां वाले हो जो दूरों नेड़े हो चल के, दीन दुनिया दे मालक गरीब निवाज सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, उहनां दीआं खुशियां लैण वास्ते तुसीं आए हो। आओ प्यारे हो सारे मिल के कीर्तन करिए, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। Thank you.
जनती खाने तिन जनती खाने तिन जनती खाने तिन जनती खाने जीता सतगुर मेरा प्यारा रातिया तिन जनती खाने जीता सतगुर मेरा प्यारा रातिया तिन जनती खाने तिन जनती
कुछ ना कुछ तो चाहिए, किसी नूं काम कार विच वाधा चाहिए, किसी नूं शरीर दी दे अरोगता, कोई धियां पुत्तरां दे सुख मंगदे, कोई कमाई विच बरकत चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, जो चाहिए मंगो सतगुरु कोलों। तो आओ एक बारी दास बोलणगे, एक बारी सारी संगत उच्ची आवाज विच लगवाओ हाजरी, कोई भी रसना वाजी ना रह जाए। Thank you.
सरपत जी जग सरपत राउंडी रत्या लोकां दे सहारे लखां होणगे मेरा ते सहारा बाबा तूए लोकां दे सहारे लखां होणगे मेरा ते सहारा बाबा तूए लोकां दे किनारे लखां सहारा बाबा तूए पड़ा लोकां दे सहारे लखां होणगे
लोग
परम सत्कार योग सत्संग जीओ। बड़े बड़े भागां वाले हो जो दूरों नेड़े हो चल के दीन दुनिया दे मालक गरीब निवाज सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उन्हां दियां खुशियां लैण वास्ते तुसी आए हो। एक शायर का कथन है, मिलता है तेरे दर पे मुकद्दर से ज्यादा, मिलता है तेरे दर पे मुकद्दर से ज्यादा, हालांकि मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। सिख पंथ दी अजीम शख्सियत माया नाज हस्ती परम सत्कारी योग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब उना दे आशीर्वाद सदका असी कुछ वचन आप जी दे सामने रखिए। कितनी कृपा कीती सतगुरा ने उत्तम बख्शे हैं सब दा भला मंगण वाले संत बाबा प्रेम सिंह जी वेलफेयर सोसाइटी दे इना प्रबंधक वीरां नूं जिन्होंने आप संगतां दे सहयोग नाल बाबा मक्खन शाह जी लुबाणा बाबा लखी शाह जी उन्हां दी याद विच ए महान गुरमत समागम रचिया। उत्तम उत्साह सतगुर किसे नूं देंदे ने पर उन्हां सदका जुड़दे सारे ही ने। इन्हां प्रबंधक वीरां नूं सतगुरां ने उत्तम बख्शिया आपां सारे गुरु दे नाल जुड़ गए। एक वारी प्यार नाल आखो सतनाम श्री। असी बेनती करिए गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ऐसे गुरु ने जिन्हां नूं एक शाह ने प्रगट कीता ते दूजे शाह ने गुप्त कर दिता। उंज मेरे सतगुर दी जिंदगी विच बड़े शाह आए पर दो शाह ऐसे आए जिन्हां ने कमाल कर दिते। दोनों ने एक दूजे तो विपरीत काम कीता, उल्ट काम कीता। एक ने अंदर बैठिया नूं बाहर लिआंदा ते एक ने शहीद होया दा शरीर अपने घर विच रख के गुप्त कर दिता। एक ने कोठे ते चढ़ के रोला पाया कि गुरु लभ गया है, गुरु लभ गया है, ते एक ने शरीर लुका के किया कि मेरे घर नूं अग लग गई। शाह दोनों ही ने मक्खी मक्खन शाह ते लखी शाह दोनों शाह ते दोनों ही लुबाणे। आखो सतनाम श्री। एक कवि लिखद है, एक शाह ने शाह दे शाह नूं, इहदा मतलब कि मक्खण शाह ने शाह दे शाह गुरु तेग बहादुर साहब नूं, एक शाह ने शाह दे शाह नूं जग दे विच इंज प्रगटाया, गुरु लादो रे गुलू रादो रे कोठे चढ़ उस रोला पाया। एक शाह ने शाह दे शाह दा शरीर इंज लुकाया, अपने घर नूं अपने हत्थी आपे लांबू लाया। एक शाह ने सतगुर नूं लुकाया, दूजे शाह ने सतगुर नूं प्रगटाया, उन्हें अपना फर्ज निभाया, उन्हें अपना फर्ज निभाया। असी बेनती करिए किवें प्रगट होए गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ते किवें शहादत दे राह ते तुरे। कहिंदे ने एक सज्जन जो सरकार वास्ते रसद ढूंढदा सी जहाजां ते समुद्री जहाज ते, नाम है इहदा भाई मक्खण शाह लुबाणा। सत संगत इह ओह भाई मक्खण शाह है जिहदे नाल 500 फौजी हर वेले निजी रहिंदा सी। इह गुरु नानक साहब महाराज दे घर दा अनन सिख सी। इतिहास विच लिखिआ कि सूरत दी बंदरगाह नेड़े इहदा जहाज तूफान विच फस गया। ऐसियां भयानक लहरां उठियां कि जहाज पूरी तरह डोलन लग पिया, मलाह भी घबरा गए। कहिंदे ने अज सिख दा बेड़ा जदों तूफान विच दलदल विच फसिआ है ते इहदे जिहड़े जहाज दे चलाण वाले ने उन्हां ने कह दिता कि शाह जी हुण बचण दी कोई उम्मीद नहीं रही, इस जहाज नूं हुण कोई किनारे नहीं लगा सकदा। सत संगत देखो जहाज भी डोलदा, सारिआं दे मन भी डोलदे ने, पर इक्को भाई मक्खण शाह सी जो नहीं डोलिआ। आखो सतनाम श्री। कहिंदे ने जदों जहाज रेत विच धस रिहा सी मलाह जवाब दे गए, उन्हें कहा तुसीं रोला ना पाओ, खामोश हो जाओ, मेरे कोल इक इहो जिहा मलाह है जिहड़ा कल्ले पानी दे जहाज नहीं जिहड़ा जीवन दे बेड़े भी किनारे लगा देंदा है। उन्हां किया किहड़ा मलाह, मुलाजम तां आ ने जिहड़े जहाज विच बैठे ने। मक्खण शाह कहन लगा मेरी सब तो समर्थ ताकत गुरु नानक दा घर है,
मैं उदे अगे अरदास करांगा, मैनू भरोसा है कि मेरा डुबदा जहाज जरूर किनारे लगेगा। सत संगत कहिंदे ने जदों बंदा मुश्किल विच होवे, सच्चे मन नाल गुरु नू याद करे ते गुरु उदी फिर सहायता कर दे। मक्खन शाह लुबाणे ने गल विच पल्ला पाया, हथ जोड़े ते कली अरदास ही नहीं कीती, जहाज विच नेत्र बंद कर ले ते जपजी साहब दा पाठ शुरू कर दिता। इतिहास विच लिखे है, कर चित एकागर जप को पढ़ा, पुन सतगुर जी का किया ध्यान। एकाग्र चित होके जपजी साहब पढ़िया ते कहन लगा, सतगुरु आप जी दी बाणी दा शब्द है, गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले। आप जी दी बाणी कहती है, गुरु हमेशा सिख दे नाल वसदे, जदों याद करो उदो गुरु नानक कोल हुंदे। दाता तुहाडे सेवक दा जहाज अज तूफान विच फस गया है, पातशाह अज इस बेड़े नू कोई मलाह नहीं हो किनारे लगा सकता, अज इस बेड़े नू सिर्फ तू किनारे लगाना है। ते ये भी अरदास कर दिती कि जे मेरा जहाज किनारे लग गया ते मैं 500 मोहरां आप जी दे चरणा विच भेट करांगा। सत संगत इत्थे एक बेनती कर दईए कि अरदास विच बड़ी ताकत हुंदी है। गुरु तेग बहादुर साहब खुद कहिंदे ने, जदों हर चीज जवाब दे जाए उदों पुकार करो, पुकार वो कुछ कर सकती है जो दुनिया नहीं कर सकती। कहते ने जदों मक्खन शाह ने अरदास कीती, क्या मेरा बेड़े मेरा बेड़ा बन्ने लाओ, सच्चे मनों अरदास कीती ते सात संगत जेड़ा बेड़ा दलदल विच धस रहा सी, तूफान विच डगमगा रहा सी, ऐसे गुरु ने कृपा कीती इते डुबदे हुए जहाज नू साहिब गुरु नानक दी जोत ने किनारे ते लगा दिता। हुण मक्खन शाह नाले ते बैराग विच रोंदा है ते नाले कहिंदा, पातशाह ई तां सुनिया सी कि जिहड़ा गुरु नानक दी ओट लैंदा गुरु नानक उहनां दी रखिया करदा, पर इस तरह करदा होवेगा ए नहीं सी पता। मक्खन शाह पहला दिल्ली गया, पुछिया गुरु नानक साहब दी जोत, ते उत्तर मिलिया कि गुरु हरकृष्ण साहब तो ज्योति जोत समा गए ने, ते पुछिया हुण कौन, कहन लगे बाबा बकाला शब्द कह गए ने। ओ फिर पंजाब दी धरती ते आया, अमीर आदमी सी, जदों मक्खन शाह दा आना सुनिया मसंदा नूं चा चढ़ गया कि पैसे वाला आया। हर कोई कवे मैं गुरु हाँ, हर कोई सोटी कवे गुरु जोत मेरे कोल है, सारे कहिंदे जी साडे वल आओ साडे वल आओ, अपने वल खिचदे ने। मसंद मक्खन शाह नूं अगों लैण गए ते मन ने किया मना, गुरु नानक दा घर ते बेपरवाहां दा घर है, बेमोहताजां दा घर है, इह तां सारे मंगते बने होए ने। परेशान हो गया कि इन्हां विच्चों किहड़ा गुरु है, किन्नों 500 मोहरां रख के मत्था टेका, पता नहीं असली किहड़ा है, क्योंकि वेखण नूं बाहरों सारे इको जे लगदे ने। पर नाल ही मन विच ख्याल आया मना, जिहड़ा गुरु तेरी अरदास सुन के तेरा डुबदा जहाज किनारे लगा सकदा है, कि वो अपनी भेटा नहीं मंग सकता। भाई मक्खन शाह सब नू दो दो चार चार मोहरां देंदे गए, हर एक ने सरोपा दिता, हर एक ने उदी सिफत दे गीत गाए, पर मन दी गल किसे ने ना बुझी, मन उदास हो गया। पर अंदरों आवाज आई, नहीं मक्खन शाह, सूरज ठंडा हो सकदा है, चंद्रमा तप सकदा है, हवा रुक सकती है, समुंदर सुख सकदा है, पहाड़ थंब ला के उड़ सकते ने, पर मेरे गुरु हरकृष्ण साहब का बचन कदे झूठा नहीं हो सकता, अटल है, गुरु इत्थे ही है। इधर मक्खन शाह उदास के पूरा नहीं लब्बा, अखीर नू निराश होके तुरिया जांदा है कि इनू एक बजुर्ग मिलिया। उन्हें कहा भी तू निराश क्यों है, कहन लगा मैं निराश ता मैं सुनिया सी कि बकाले विच सतगुर दा निवास है, पर ये तो सारे नकली ने, इन्हां कोल ते कुछ भी नहीं। पुछिया कोई होर भी है जिहड़ा गुरु अखवांदा होवे,
उस बजुर्ग ने कहा गुरु कदे भी अपने आप नू प्रगट नहीं करते, अपने आप नू लगो के रखते ने। कहिंदा मैं समझिया नहीं। वह बजुर्ग कहिंदा उस सामने घर के बाहरले पासे जिहड़ा कमरा है उत्थे चला जा। नाम है तेग बहादुर। लोग तो उन्हों तेगा तेगा ही कहिंदे ने, पुराना नाम लैंदे ने, बहुता किसी नाल बोलते नहीं, भोरे विच रहिंदे ने। उत्थे चला जा, हो सकदे तेरी आस पूरी हो जाए। ते पुछदे है कौन, ते उत्तर मिलिया गुरु हरगोबिंद साहब जी दे सब तो छोटे साहबजादे। कह लगा चल मना, जिथे बाइया नू मथा टेके है इन्हां नू भी टेक के देख लैना, शायद एहो ही गुरु होण। सतसंगत भरे हुए मन दे नाल मक्खन शाह लुवाणा गुरु साहिबां दे भोरे दे कोल पहुंचिया। जदों अगे गया ते माता गुजरी जी पहरे ते खड़े ने। कह लगा माता जी, मैं गुरु हरगोबिंद साहब जी दे साहिबजादे दे दर्शन करने ने। माता जी ने कहा, वह तो बंदगी पे करते ने, क्योंकि सतगुरां दा हुक्म सी भी अंदर ना किसी नू आण देना। मक्खण शाह ने बेनती की, मैं बड़ी दूरों आया, मैं तो बस मत्था ही टेकना, उन्हां दी भगती विच विघन नहीं पाना। माता जी ना ना कह सके बुआ खोल दिता। जदों गया अंदर, धन गुरु तेग बहादुर साहब चौंकना मार के बैठे ने, नेत्र बंद ने। कहिंदे ने दर्शना दी चाब नहीं चल सकिया, क्योंकि सत संगत समर्थ गुरु दे दर्शना दी चाल चलनी कोई छोटी जी बात नहीं है। एक मन कहिंदे टह पे चरना ते नौवा गुरु एहो ही है। एक मन कहिंदे नहीं, पहला प्रीख्या लैनी है, जे असली गुरु होवेगा ते अपनी पेटा आप ही मंग लवेगा। ये सोच के कड़िया पंज मोरा अगे रख के झुकन लगा ना, ते सतगुर गुरु तेग बहादुर साहब ने नेत्र खोले, नजर भर के वेखिया, ते नाल एक शब्द किया। कहन लगे, सिखा डुबती नाव तुम, हम कंधे दीन लगाए, कंधे कासी मोहे परी, क्यों पूजा रखो दुराए। सतसंगत पूजा दा अर्थ है दसवंद। कह लगे मक्खण शाह, जदों ते जहाज डुबदा सी उदों ते 500 कहिंदा सै, ते हुण 50 ते आ गए। सतगुरां अपने मोढे तो चादर लाई ते कहन लगे मक्खण शाह, जदों तू अरदास कीती सी तेरे जहाज नूं असां अपना मोढा दे के बन्ने लाया सी, ए देख मोढा हाले भी जख्मी है, ये जख्म सुकिया नहीं। सतसंगत मक्खण शाह ने गुरु साहिबां दा मोढा देखिया जख्मी, इउं रोया जिवें बच्चे रोंदे ने। कहन लगा सतगुरु, उदण मेरे वपार दा बेड़ा डुबदा सी, उदण समुंदर विच बेड़े किनारे लाए नी, अज मेरी जिंदगी दा मेरी आस्था दा बेड़ा डोलदा पिया सी, अज अपने बचना दा सहारा दे के मेरे अंदर दे जहाज किनारे लगा दिते ने। हजूर ने कहा, मक्खण शाह किसे नू दसी ना, रोला नहीं पाना। मक्खण शाह कहंदा, पातशाह ये किस तरह हो सकदे, संगतां तड़फदियां ने, कुरलांदियां ने, किन्ने कु सिख विचारे भुल गए ने, जिहड़े दर्शन कीते बगैर रह नहीं सकते, उन्हां दा बैराग चलिया नहीं जांदा, अज तां खुशी दा मौका है। सत संगत बाबा मक्खण शाह भोरे चो बाहर निकलिया, चढ़िया कोठे ते, ते पल्लू फेर के कहा, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, गुरु लभ गया, गुरु लभ गया। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने, उच्चे चढ़ के करी पुकार, गुरु मिलियो है सिरजनहार। जद ये सुनिया कि गुरु साहब तो भोरे विच ने, नौवी जोत प्रगट हो गई है, संगत आ गई, हजूर दे चरणा विच सारिया ने पिटावा अर्पण कीतिया, नमस्कारा कीतिया, एक सच्चे सिख दी अरदास ने नौवें गुरु दे दर्शन कराए। असी बेनती करिए सत संगत, बाबा मक्खण शाह वर्गे अज भी चाहिए ने, जिहड़े पल्लू फेर के कहण के भले हो, गुरु ग्रंथ साहब तो वड्डा सिख लई होर कोई थां नहीं, जे ये ओ समर्थ गुरु है जिहड़ा रहमतां वरतांदा है। आखो सतनाम श्री। सत संगत अरदास विच इतनी शक्ति है,
ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉੱਦਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਤਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਨੇ ਐੜਾ ਰਾਰਾ ਦੱਦਾ ਅਤੇ ਸੱਸਾ। ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਜੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਕਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਏ। ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਏ ਰਾਰਾ, ਰਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਏ ਰਖਵਾਲਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਖਾ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਖਾ ਉਹ ਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਉਹ ਏ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਏ ਜੀ ਦੱਦਾ, ਤੇ ਦੱਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਾਤਾਰ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਸਾ, ਸੱਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਭਰ ਆਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕਿਓ ਨਾ। ਰੋਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਨ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਪਵਨ ਗਏ ਵਕਤ ਪੇ
ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਬੈਠੀਆਂ
छट मालक ते डोरा छट मालक ते डोरा तू क्या डोल दाए एक रस्ता बंद हुंदा चार रंग खोल दाए एक रस्ता बंद सुलझना नहीं ताना
सब इथे रह जाना तू ही मुक जावेगा ए सुलझना नहीं ताना छट ते मोह माया तू छट ते मोह माया तू मिट्टी क्यों खोलता है एक रास्ता बंद हुंदा चार रब खोलता है एक रास्ता बंद हुंदा चार रब खोलता है छट पालक ते टोरा छट पालक ते टोरा तू क्यों डोलता है एक रास्ता बंद हुंदा चार रब खुल जाए एक रास्ता बंद होता चार रब खुल जाए एक रास्ता बंद होता चार रब खुल जाए वाहेगुरु हाले भी उन्नी आवाज नहीं आ रही सत्संग जी कीर्तन करन नाल मन पवित्र हुंदा है इस करके साडा ख्याल है जिथे तक साडी नजर जांदी है संगता ही संगता नजर आ रही ने जपदे ते सारे ही पए हो पर जे प्रगट रूप विच जपो एक बारी बोलो कि तां किन्नियां आवाजा कन्ना विच पैणगियां जिहड़े पिछे बैठे ने ओ भी जरूर बोलते होणगे पर इनी संगत होवे ते पंडाल ते गूंजना चाहिए इस करके आओ प्यारे हो एक बारी दास बोलणगे एक बारी सारी संगत कृपा करो कोई भी रसना खाली ना रह जाए जय जयकार जय जयकार
परवान करनी
जितने भी सत्संगी आए हो तुसी सारे ही दया दे सागर राज योगी महापुरुष परम सत्कार योग बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले उन्हां महापुरुषां नाल तुसी बड़ा प्यार करन वाले हो, उन्हां ते श्रद्धा रखण वाले हो, क्योंकि उन्हां महापुरुषां ने जो सोचिया दूसरियां वास्ते सोचिया, जो कीता दूसरियां दे भले वास्ते कीता। बाबा प्रेम सिंह जी ने गुरु ते भरोसा कीता, अपना सारा जीवन गुरु दे लेखे लाया, ते उहदा फल की होया? अज वेखो किड्डे जोड़ मेले लगदे ने उहनां दे अस्थानां ते, कित्थों कित्थों संगतां आंदियां ने, महापुरशां दी सोभा हो रही है। हुक्म आया है बच्चे वल्लों, बाबा प्रेम सिंह जी महापुरशां दी याद विच एक बार सरवण कराई जावे, तो आप सब संगतां दा हुक्म सिर मत्थे परवान, आओ बड़े प्यार दे नाल हाजरी लगवाओ जी। बाबा प्रेम सिंह सच्ची सरकार रहे तो सानू अर्ज गुजार, असी तां तेरे हां बाबा जी तेरे हां, असी तां तेरे हां बाबा जी तेरे हां, साडे घर दे बेड़े पार सानू जिवें किवें तू चार, असी तां तेरे हां बाबा जी तेरे हां, असी तां तेरे हां बाबा करो कृपा अपर अपार सानू जिवें किवें तू तार, असी तां तेरे हां बाबा जी तेरे हां, असी तां तेरे हां बाबा जी तेरे हां। साडी तैथों जान निसार सानू जिवें किवें तू तार, असी तां तेरे हां बाबा जी तेरे हां, असी तां तेरे हां बाबा जी तेरे हां। Thank you.
दिल आखे वारो वार सानू जिवे किवे तू तार असी तां तेरे हां बाबा जी तेरे हां असी तां तेरे हां बाबा जी तेरे हां साडे कर दियो बेड़े पार सानू जिवे किवे इतनी सेवा प्रवान करनी हुक्म आया संगतां वल्लों जिहड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा तेनू क्यों ना तारू बंदे आ ए वार सरवण कराई जावे आप सब संगतां दा हुक्म सिर मत्थे परवान तो आओ एक वरी दास बोलणगे एक वरी सारी संगत ने उच्ची आवाज विच हाजरी लगवानी है कोई भी रसना खाली ना रह जाए
पैगंबरी दुखिया दे दुख करे दूर ओ पैगंबरी जेड़ा भगता नो पलना विसारदा जेड़ा भगता नो पलना विसारदा ओ तेनू क्यों विसारू बंदे इतनी सेवा प्रवान करनी धन्यवाद है जुगो जुग अटल सेब सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा दूरों नेड़ेओं चल के आईया हुई श्रद्धावान संगतां दा तय दिलों धन्यवाद अति धन्यवादी हाँ सब का भला मंगण वाले संत बाबा प्रेम सिंह जी वेलफेयर सोसायटी के श्रद्धावान प्रबंधक वीरां दा विदेशों विच वसण वाले गुरु नानक साहब नाल प्यार करन वाले NRI वीरां दा धन्यवाद है सूझवान स्टेज सकत्तर साहब दा चैनल वालियां दा अते सेब साउंड सिस्टम दी पूरी टीम दा असी ते दिलों धन्यवाद करना चाहते हाँ जिहड़े हमेशा ही बड़ी श्रद्धा दे नाल इस साउंड दी सेवा करदे ने जिन्हां गुरु के प्यारियां ने श्रद्धावान संगतां ने कीर्तन दा सत्कार करदियां होयां उन्हां बच्चियां वास्ते माया अरदास करवाई है पातशाह आप सब दी किरत कमाई कारोबारां विच बरकत बख्शण मेरे सतगुरु तुहाडा ते तुहाडे बच्चियां दा भला करन दासां तों बाद आवाज़ विच रूहानी ताकत रखण वाले परम सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी गुरमिंदर सिंह जी श्री दरबार साहब तों आप जी नूं गुरमत विचारां द्वारा निहाल करनगे जी आयां नूं कहा जांदा है भुल चुक दे खिमा फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।